तो आज हम लोग ग्रॉस लॉ के कुछ और एप्लीकेशन सीखते हैं। कल हम लोगों ने ग्रॉस की मदद से एक इनफाइनाइट वायर था और इनफाइनाइट वायर से आर दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट किया था। तो आज बहुत ही थिन आपके पास एक सीट है, इनफाइनाइट सीट, तो हम उसका एक हिस्सा बनाएंगे। मैं छोटा सा पहले दिखाता हूँ आपको। हमारे पास ये एक सीट है, प्लीज ध्यान दीजिए, मैं फाइनाइट बाउंड्री बनाने मजबूरी है वरना इनफाइनाइट बाउंड्री नहीं बना पाऊंगा, तो दिखेगा कैसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं इस पर हर जगह पॉजिटिव चार्ज है और ये बहुत ही पतली है, इतनी पतली जितना आप मान सकते हैं। आप कहेंगे इतने पतली सीट पे आपका फोकस क्यों है? तो फोकस होने की वजह है कि ये इतनी पतली है तो दोनों तरफ चार्ज एक ही माना जाएगा। अगर थोड़ी थिकनेस कुछ भी हो गई थोड़ा सा, तो फिर इंडक्शन की वजह से एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए हम एक्सट्रीमली थिन की बात करें। अब इस सीट से आर दूरी पर मान लेते हैं हमसे पूछा गया कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये बताइए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो क्या किया बच्चों, देखिएगा क्योंकि इनफाइनाइट है कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं मैंने एक सिलेंडर इमेजिन किया इस बार, ये सिलेंडर आगे भी बढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, ये ग्रॉसियन सिलेंडर है मतलब काल्पनिक, इसको उस साइड भी बनाया। ऐसा क्या ये समझ पा रहे हैं? ये एक सिलेंडर माना काल्पनिक सरफेस है और यहां पर इस सरफेस पर यहां पर आप सोचिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, पॉजिटिव चार्ज है दोनों तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर भी होगी इधर को बाहर को। और इसका जो सरफेस एरिया है मान लेते हैं वो क्रॉस सेक्शन का वो ए है, तो एरिया ए जितना भी है वो, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा सिलेंडर एज्यूम करते हैं, जो कि सीट इनफाइनाइट साइज की, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्लीज ये जहां पर मैंने एरिया बनाया है यहां पर देखिए, इस एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही होगी वेक्टर। अगर यहां पर क्राउड सरफेस में यहां पर बात करूं, यहां पर कोई छोटा सा पैच लू, तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर को आएगी। यहां पर अगर मैं छोटा सा सरफेस लू डीएस, तो वो ई के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? सोचिए ये तो बाहर को होगा राइट साइड को, और एक छोटा पैच ले लिया मैंने यहां पर सरफेस पर क्राउड सरफेस पे, तो और जो पैच मैंने लिया उसकी डायरेक्शन आएगी इसी तरह से। तो अब आपके पास ई और डीएस क्राउड सरफेस में परपेंडिकुलर होंगे हर जगह, तो क्राउड सरफेस में आउटवर्ड फ्लक्स ई डॉट डीएस जीरो होगा हर जगह। केवल ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों साइड ए एरिया वाले, यहीं पर फ्लक्स और नेट बचेगा, बाकी नेट फ्लक्स बाकी जगहों पर जीरो होगा। तो फ्लक्स अगर आप निकाल सकते हैं तो बस हो गया, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। अब आएगा इसके अंदर चार्ज जितना है, तो हम मान लेंगे कि यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, तो ए एरिया पर कितना चार्ज होगा? ए एरिया है ना सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का, तो यहां पर भी एरिया यही होगा, तो इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा? सिग्मा इंटू ए, तो वो आपके पास क्यू का काम करेगा। तो जी इनवर्ड कितना आपके पास है चार्ज इस ग्रॉसियन सरफेस के अंदर, तो आप आसानी से चार्ज और फ्लक्स का रिलेशन निकाल लेंगे तो ई आ जाएगा बस। तो ये जो सिलेंडर आपने माना है बच्चों, इसको क्या कहेंगे आप लोग?
ये जो सिलेंडर माना है ये क्या हुआ? सर गॉसियन सिलेंडर। हाँ, ग्रोसियन सिलेंडर या ग्रोसियन सरफेस, जो भी आप नाम दें, ठीक है। तो ये काल्पनिक है मतलब, लेकिन ये वास्तविक कैलकुलेशन कर देगी। तो प्लीज आप इसे बनाइए, फिर आगे को लिखते हैं। हम इसको हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। Due to an infinite set, infinite plane set of charge तो पूरा डायग्राम ये कहानी है कि इनफाइनाइट सीट है, बहुत ही पतली है, एक्सट्रीमली थिन है, उस पर चार्ज है, जैसा भी लेना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जब लेना ही है तो भाई पॉजिटिव ले लो, फिर क्या दिक्कत है। क्या बना लिया है? यस सर। तो लिखते हैं फिर, लेट अस कंसीडर एन एक्सट्रीमली थिन कॉमा इनफाइनाइट सीट with charge density, यहां क्रिस्टी डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मान लेते हैं उस पर सिग्मा चार्ज है, मतलब यूनिट एरिया पर डेंसिटी का मतलब ये तो हुआ। तो बच्चों ये स्मॉल सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा आप लोगों ने कई बार ऐसा बना लिया, ये स्मॉल सिग्मा है, लैटिन वर्ड है सारे। अब हमारे सारे उसमें वही आ चुकी हैं जो पहले से चल रही हैं, तो हम लोग इसको ऐसे ले लें, ठीक है। तो चार डेंसिटी सिग्मा ले लिया मैंने। अब करना क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सीट। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि आर दूरी पर वही निकालो। पहली बात मैं ये बता दूं कि एक्सट्रीमली थिन कहने का क्या मतलब, सिंस नई लाइन से सीट इज एक्सट्रीमली थिन। अब यही फिजिक्स और मैथ्स में अंतर है। मैथ्स कहती है एक्सट्रीमली क्या होता है, वो एडजेक्ट बताओ जितना है, ये थिन तो रिलेटिव वर्ड है, तो मैथ्स कंप्रोमाइज नहीं करती। फिजिक्स टल लेती है, अरे ठीक है बहुत पतली है, समझ जाओ ना यार थोड़ा सा व्यावहारिक बात। तो ये कंप्रोमाइज है फिजिक्स का, जो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं करती ना, ऐसा थोड़ी होता है। आप बताओ कितने से टर्म को थिन एक्सट्रीमली थिन कहते हैं, फिजिक्स ये नहीं बताती कि वो कहती है समझ जाया करो थोड़ा सा। सिंस सीट इज एक्सट्रीमली थिन, सो चार्ज विल बी सेम ऑन बोथ साइड्स। बच्चों ये बात समझ में आ रही है? अगर सीट की कुछ मोटाई हम व्यावहारिक तौर पर मान लें,
तो फिर इंडक्शन से एक तरफ पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाएगा चार्ज। या इंडक्शन के लिए तो नेगेटिव के लिए आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को मोशन करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंडक्टर इतना मोटा है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन रे मूव करें, थिकनेस इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहां पर जाएं, वो ये कह रहे हैं। और हर तरफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जाए भी कहां तक, इनफाइनाइट सीट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करने की स्थिति में नहीं है। और इसमें डेफिशिएंट है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तभी पॉजिटिव चार्ज होगा। कुछ ये कहानी है, मतलब अगर सीट की मोटाई व्यावहारिक तौर पर भी कुछ मान लें तो फिर इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए बहुत हो जाएगा उतना भी, तो इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाएंगे पॉजिटिव की। मेरी बात समझ में आ पा रही है? यस सर। इंडक्शन जिसको आप लोग कहते थे पहले से। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये तो चार डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। लेट अस इमेजिन और ग्रोसियन सरफेस, ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, ग्रोसियन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप एस शोन कर दें, जैसा दिखाया गया है समझ जाओ ये ठीक हो गया। एस शोन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल ए, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? नाउ चार्ज विद इन द ग्रोसियन सरफेस, चार्ज विद इन द ग्रोसियन सरफेस, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू इसके अंदर ये चार्ज। तो फ्लक्स दोनों तरफ से बाहर क्यों निकलेगा? तो आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स विल एमिट फ्रॉम ग्रोसियन सरफेस ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ निकले, ठीक हो गया। ऑन ट्रॉड सरफेसेस क्या हो जाएगा? एवरी स्मॉल डीएस विल बी परपेंडिकुलर टू ई, क्यों भाई? कहीं पर भी जो सिलेंडर लिया है उसकी ट्रॉड सरफेस कहीं पर भी सोचिए, और उसमें छोटा सा पैच लीजिए डीएस, तो डीएस बाहर को ही आ जाएगा। और ई जो है वो राइट या लेफ्ट को है, तो ई डॉट डीएस 0 हो जाएगा, नहीं? सो नेट फ्लक्स विल बी ओनली थ्रू बोथ द क्रॉस सेक्शन एरियाज, क्रॉस सेक्शन एरियाज केवल उन्हीं से बचेगा क्योंकि क्राउड सरफेस से फ्लड से 0 हो गया है।
तो 5 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ई डॉट डी एस, आप ए पर करें 8, दूसरा ई डॉट डी एस दूसरी तरफ ओवर ए, तो दोनों में आप गौर करिए, ई और डी एस दोनों ए सर पे क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ई डी एस ओवर ए प्लस ई डी एस ओवर ए, तो 2 टाइम्स ई डी एस ओवर ए, तो 2e बाहर डी एस ओवर ए, तो डी एस अगर ए क्रॉस सेक्शन में थोड़ा सा डी एस मानेंगे और सब जोड़ेंगे तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ए आ जाएगा, तो 2e ए आ जाएगा। एक तरीके से फाइव निकला, तो फाइव आपके पास 2e ए आ गया, लेकिन फाइव कितना होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूजिन ग्रॉस लॉ नेट आउटवर्ड फ्लक्स। इक्वेशन 1 में देखिए तो क्यू जितना लिखा है आप लोगों ने, सिग्मा ए तो 2e ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों शानदार स्थिति है, ए कैंसिल हो गया, मतलब सिलेंडर कितना मोटा, मोटा मतलब ए से समझो ना, एरिया ज्यादा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब सिलेंडर का साइज से, ग्रोसियन सरफेस जैसा मानते हो, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, ए से ए कैंसिल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। केवल आपको चार्ज डेंसिटी से फर्क है कि कितना डेंस चार्ज है, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है उससे फर्क पड़ता है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। इतने ही आपका, एक इनफाइनाइट सीट है और थिन सीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये बड़े डेरिवेशन में है, 5 नंबर 6 नंबर का सवाल है बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा, और जो लैंग्वेज है मैंने कोई ऐसा नहीं बनाया, मतलब आपको सोचते रहिए अच्छा हाँ ये भी लिखना, लिख दो यार फिर, क्या ये क्लियर हो पाया? यस सर। अगर कहीं पर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप बोलिए, आराम से सोचिए, एक इनफाइनाइट सीट है और बहुत ही एक्सट्रीमली थिन सीट है, आर डिस्टेंस पर निकालना था लेकिन लास्ट में फॉर्मूले में आर भी नहीं आया, ध्यान से सोचो, अभी तक कल वाले फॉर्मूले में आया था आर, 2 लैम्डा अपॉन आर आया था, तो आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कल जो हमने किया था मैं रिकॉल करता हूं एक बार, जरा ध्यान से समझिए इन चीजों को, अभी तक हमेशा बच्चों पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा पहले तो हम लोगों ने, तो क्या क्या बदलाव हुए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं इनको लिखाऊंगा भी, पहले मैं समझा लेता हूं आप समझिए, जब पॉइंट चार्ज क्यू था कहीं पर मान लीजिए, और हमने कहा कि आर दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम लोगों ने कहा कि ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² बेसिकली, ऐसा आया, हुआ या नहीं हुआ, हाँ सर। ऐसे डॉट 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 करते हुए वायर और फिर डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब दोनों साइड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसकी चार्ज डेंसिटी चल हमने लैम्डा मान ली, ऐसा कुछ नहीं है लैम्डा मानने में, कुछ और मान लो यार क्या फर्क पड़ता है, और इससे मैंने कहा कि आर दूरी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है निकालो, तो बच्चों ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा तो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे, बेसिकली ई प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, और अब कमी होते होते आज बड़ा मजा आ गया, एक इनफाइनाइट सीट है जिस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले ली मैंने और उससे आर दूरी पर करने को रहा, आर गायब हो गया, केवल इतना आ गया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, देखो
कंपेयर करना सीखिए। कंपैरिजन जिंदगी में खतरनाक है, साइंस में बड़ा जरूरी है। इंडिपेंडेंट ऑफ आर, क्या मैं ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। इनफाइनाइट सीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको कहीं पर भी जितनी दूरी पर हो, आपको दिया रहेगा सवाल किसी कंपटीशन में कि एक सीट है 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा या कम होगा। तो बच्चे कॉमन सेंस लगा देते हैं और कॉमन सेंस ये कहता है कि यार जो नजदीक होगा ज्यादा होगा, लेकिन इनफाइनाइट सीट है वो कॉम्पेंसेट कर जाएगी, दूसरी जगह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कंपोनेंट्स। इनफाइनाइट सीट के मामले में दूरी का फर्क पड़ ही नहीं रहा भाई, ये गजब बात है, जबकि इनफाइनाइट वायर में पड़ रहा है। तो नोट करके इन तीनों को अपनी लैंग्वेज बना लो, पहले में पॉइंट चार्ज है, दूसरे में लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरे में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर समझ में आया है खुद लिखिए, मैं नहीं लिखा रहा हूं, मैंने समझा दिया, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ बच्चों, क्लियर हो पाया? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये कंपैरिजन बहुत यूजफुल है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इस साल आपको वाइवा भी देना होगा और टीचर पूछे कि इस पे कितना किस तरह से वेरी करता है, तो ये बहुत जरूरी है। पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ है, दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है खाली, और तीसरे में इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर सबसे ज्यादा फंसा देता है बच्चों को। चलिए इन पर एक दो सवाल करें फिर अब। किसी जगह कुछ छूटा तो नहीं है, सब हो गया? यस सर। चलो एक सवाल लिखिए फिर प्लीज, छोटा सा। एन इनफाइनाइटली लार्ज थिन प्लेट सीट, इनफाइनाइटली लार्ज थिन प्लेट प्लेन सीट, प्लेन सीट हैज ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, हैज ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। ठीक हो गया, इतना तो उतना ही वही लिखा हुआ है जो डेरिवेशन में था पिछले में।
भाई जो हमने रिजल्ट निकाला ना बच्चों पिछला, वो एक्चुअल में व्यावहारिक रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सीट हम ले ही नहीं सकते कभी, तो ये कंसेप्चुअल रिजल्ट है, प्रैक्टिकली इतना नहीं हो सकता। इलेवेंथ ट्वेल्थ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा जोर दिया जाता है, बाद में इसमें थोड़ी और हकीकत मिलाई जाती है, जिनको फिर और कंसेप्चुअल के साथ व्यावहारिक परेशानियां भी देखनी है वो सॉल्व करना है, वो हायर स्टडी में साइंस में जाएंगे, जिनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का शौक है वो इंजीनियरिंग में जाए। भाई इंजीनियर से इनफाइनाइट सीट क्यों लेगा, कैसे लेगा? तो इंजीनियर व्यावहारिक पार्ट्स की ओर जाएंगे, तो जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बड़े लेवल पे चाहिए वो बेसिक साइंस में जाएंगे। ये है अंतर, आपको निकालना है। लिखिए प्लीज इसमें ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क done in bringing a point charge Q, in bringing a point charge Q from infinity to a distance r, from the seat, बस इतना ही। क्या कहा है मैंने, इसको देखिएगा, ये प्लेन सीट है, इनफाइनाइट चार्ज है, इस पे इनफाइनाइट साइज की है ये, हमने जो इतना पोर्शन दिखाया है, और इससे r दूरी पर एक पॉइंट है p, एक पॉइंट चार्ज है जो पहले इन्फिनिटी पे था, ध्यान से समझिए, आप उसे घसीट के ला रहे हैं यहां तक। इन्फिनिटी का मतलब है बच्चों कि ये जो आपकी सीट है इसका प्रभाव क्षेत्र जहां खत्म हो जाए, तो वो इसके लिए इन्फाइनाइट ही है फिर बेसिक। तो वहां से आप एक पॉइंट चार्ज लेते लाए, तो जाहिर सी बात है जो ही इधर को लाए नजदीक की ओर, तो ये पॉजिटिव सीट इस पॉजिटिव चार्ज ट्यूब को रिपेल करेगी, क्यों होगा नहीं होगा ऐसा? रिपेल करने का मतलब है कि फोर्स कहां को लगेगा, इधर को, और डिस्प्लेसमेंट कहां को हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा नहीं, डी मान लो एल मान लो छोटा सा, तो डी एल कहां पर होगा, लेफ्ट साइड को। बच्चों ये समझ पा रहे हो? यस सर। तो एफ डॉट डी आर या एफ डॉट डी एल जब आप करते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपोजिट है तो एंगल 180 का होगा, तो ये आएगा एफ डी एल क्रॉस 180 क्रॉस पाई माइनस वन होता है, तो माइनस ऑफ, तो वर्क जो होगा एफ डॉट डी आर होता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव सर? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों है भाई? पॉजिटिव चार्ज सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो राइट साइड को ही होगी, और ये ट्यूब को रिपेल करेगा, और आप उसे ला रहे हैं, तो बेसिकली जहां को फोर्स लग रहा है आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आर दूरी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछा गया है सवाल। क्वेश्चन क्लियर हो पाया या नहीं ये बताओ बच्चों। क्लियर है सर। तो अब आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, वो तो यूनिफॉर्म है इस मामले में, हर जगह पर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही है, ठीक है ना?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर. क्यों? उसको तो आर दूरी से फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो ये जितना हो गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. क्लियर हो गया? यस सर. सो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेंस्ट समझिएगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ चार्ज ट्यूब. इन मूविंग अ चार्ज ट्यूब कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सीट. टू अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सीट विल बी. तो बच्चों एफ डॉट डी एल ट्राइंटिग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर ये होना चाहिए वर्क. ठीक है? यस सर. इंफिनिटी टू आर एफ इज योर ट्यू ई लिट टू डॉट डी एल तो ट्यू बाहर और यहाँ वही बात आई. डीएल जो है इधर को लेफ्ट को आएगा वो तो एफ टी डायरेक्ट जहां को एफ है वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. तो ये माइनस ई डीएल आ जाएगा. सोचिए तो जैसे माइनस एफ डीएल है वैसे माइनस ई डीएल भी है. अरे भाई समझ में आया? माइनस तो बाहर इंफिनिटी से आर तक. सॉरी इंफिनिटी से इंफिनिटी ले लिया मैंने. इंफिनिटी से आर तक ई चीज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन डी एल. तो माइनस टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सब बाहर आ गया. डीएल का एल फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. कितना आ जाएगा वर्क? माइनस क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर माइनस इंफिनिटी. बच्चों माइनस इंफिनिटी से मल्टीप्लाई माइनस इंफिनिटी जो है तो प्लस माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा. ये अरे भाई माइनस क्यू सिग्मा आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में इतनी सी क्वांटिटी घटा दो जोड़ दो इनफाइनाइट को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर. तो यू हैव टू डू इनफाइनाइट वर्क. बच्चों ये 12th में 12वीं में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में. कुछ नहीं है उसमें. ई पता है आपको तो रट दो उसमें. खाली एफ डॉट डी आर तो रटना है इतना समझना है. तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छा सवाल है. सीट की वजह से आपको इतना वर्क करना पड़ जाएगा.
किसी को कोई डाउट है इस पूरे डेरिवेशन में जो किया था और जो सवाल किया तो बोलिए प्लीज। नहीं है ना? नो सर। चलिए ठीक है, फिर अभी इतना ही करते हैं हम लोग, 5:45 पे फिर जोड़ते हैं।